डॉक्टर साहब, चुनाव प्रचार में लगभग 3 दिन शेष रहे हैं, क्या कुछ खास रणनीति है आगामी आपकी 2 दिनों के लिए? नमस्कार, मैं पूरी पृथला विधानसभा क्षेत्रवासियों से, अपने बुजुर्गों से, माता बहनों से और खासकर युवा साथियों से विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं। कल 2 तारीख को शहीद भगत सिंह पार्क गांव जाजरू में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या लेके पहुँचें और ये दिखाएं कि 36 बिरादरी में कितना जोर है और 36 बिरादरी की एकता कितनी बड़ी है। डॉक्टर साहब, आपकी लोकप्रियता को देखते हुए आजाद समाज पार्टी एवं जननायक जनता पार्टी ने आपको बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा उन्होंने कि ये हमें 1 महीने पहले कर देना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए, तो आज से हमारा संयुक्त रूप से उम्मीदवार दीपक डागर होगा, क्या कहेंगे इसका? JJP पार्टी, आजाद समाज पार्टी दोनों के मुखियाओं ने मेरे को जो मान सम्मान दिया, सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं और उन्होंने मेरे को समर्थन देके एक नई सपोर्ट दी है और मेरे को कहा है कि जाओ और जीत के आओ। आगे की रणनीति में बात करें, जिस तरीके से आपको गठबंधन ने आपको समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला जी का, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी का कोई कार्यक्रम पिछला विधानसभा क्षेत्र रुके में जल्दी में कोई संभावित है? भाई देखो, अभी तो कहना मुश्किल है कि कल की हमारी रैली है, एकदम की बात होगी सारी। अगर पहले होता तो सारी चीज होती। कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई बात बने। बाकी उन्होंने खुली कॉन्फ्रेंस करके आशीर्वाद दिया है, सबको पता है। और मैं तो ये विनती करता हूँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में गांव जाजरू में सभी पृथला विधानसभा पहुँचे, जिससे कि 36 बिरादरी की जीत और जल्दी हो सके। डॉक्टर साहब, आपसे प्रमुखता से अगर बात करें, आप लोगों के बीच रहे हैं लगातार कई वर्षों से और 20 दिनों से, तो लगातार साथ, प्रमुख समस्याएं क्या देखी आपने पृथला विधानसभा क्षेत्र में, जो लोग चाहते कि आप आए और उन्हें दूर करें? देखो, बहुत समस्याएं हैं प्रमुख रूप से। तो मेरे को जो मैंने देखा, हर गांव में पानी भरे पड़े हैं, पोखर बंद पड़ी हैं, गंदगी है। बड़े बड़े गांवों में लालपुर है, जनौली है और अपना फतेहपुर है, मोहना है, ऐसे बड़े बड़े गांवों में पानी का जल भराव हो जाता है। पानी वहां से निकासी के लिए जो समस्याएं सबसे बहुत बड़ी है।